गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे जैनेन्द्र के द्वारा लिखे गए अध्याय बाजार दर्शन के बारे में। हमने जैनेन्द्र का परिचय हमारी पिछली कक्षा में प्राप्त किया, साथ ही बाजार का मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है ये चीज़ भी हमने देखी। हमने देखा था कि बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है, जिसमें उनकी गहरी वैचारिकता, साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा यानी बहुत विस्तृत चर्चा पिछले एक डेढ़ दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर वस्तु को समझाने में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए ये स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरत को तय करके बाजार में जाने के बजाय उसके चमक दमक में फंस गए तो वह हमारे मन में असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल करके मन को सदा के लिए बेकार बना सकती है। इसी मूल भाव को जैनेन्द्र कुमार ने अलग अलग तरीक़ों से समझाने की कोशिश की है। कहीं दार्शनिक अंदाज में समझाने का प्रयास किया है तो कहीं किस्सा शैली के अंदाज में, किस्सा गोई की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा अनीति शास्त्र है जो सगे को क्या करता है, एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ बना देता है। ये विनाशक शक्ति को, व्यंग्य की शक्ति को जन्म देता है। बाजार का बाजारोपण बढ़ा देता है, कपट बढ़ा देता है, और जब कपट बढ़ता है तो सद्भाव में कमी आ जाती है, और सद्भाव में जब कमी आती है तो आपस में भाई भाई और सूहृद और पड़ोसी फिर नहीं रह जाते, आपस में केवल कैसे व्यवहार करने लग जाते हैं, वो ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों या फिराक में हों। क्यों? क्योंकि एक की हानि होती है तो उसको दूसरे को क्या होता है, उसमें अपना लाभ दिखता है। और बाजार का ही नहीं बल्कि इतिहास का यह सत्य भी माना जाता है कि ऐसे बाजार को लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता है बल्कि शोषण होने लगता है। तब क्या होता है, कपट सफल हो जाता है और निष्कपट क्या बन जाता है, उस बाजार का शिकार बन जाता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए क्या माने जाते हैं, विडंबना। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है और जो उसका शास्त्र बना हुआ है वो अर्थशास्त्र, इसलिए लेखक के द्वारा क्या माना गया, औंधा, मायावी और अनीति शास्त्र माना गया। तो हम बात कर रहे थे बाजार दर्शन के बारे में। लेखक कहता है अपने मित्र के एक घटनाक्रम को प्रकट करते हुए कि एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली सी चीज लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत सारे बंडल उनके पास थे। मैंने कहा यह क्या, तो बोले ये जो साथ थी अर्थात पत्नी। क्योंकि जब भी कभी ऐसी स्थिति आती है तो आदमी किसके सहारा लेता है, औरत का सहारा लेता है, औरत के ऊपर पूरा दोष डाल देता है। और वास्तव में एक बात बताऊं मैं आपको कि औरत ही होती है जो घर का निर्माण करती है, घर को जोड़ती है, घर में समस्त सुख सुविधाओं को उपलब्ध करवाती है। उनका आशय था कि यह सब किसकी महिमा है, पत्नी की महिमा है, और उस महिमा का लेखक स्वयं भी कायल है। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित होती आई है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है बल्कि ये स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं, फिर भी सच सच है और वह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। केवल पत्नी की ओट ही इसमें महत्वपूर्ण नहीं होती, इसके मूल में एक तत्व और काम करता है, एक तत्व की महिमा और सविशेष है, वह तत्व है मनी बेग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी।
कहने का अभिप्राय है जिसके पास पैसे की गर्मी होगी, पैसे की एनर्जी होगी, पैसे का पावर होगा, वो क्या करेगा, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, दिखावे के लिए, दुनिया को बताने के लिए क्या करेगा, आवश्यकता से अधिक सामग्रियों का संग्रह करने लगेगा, खरीद लेगा। पैसा पावर है। अब कब दिखेगा पावर? जब भाई आपका बैंक में पड़ा हुआ पैसा किसी को दिखाई नहीं देगा, परंतु आप कोई सुख सामग्रियाँ खरीदते हो तो दुनिया जब आपके पास आती है तो उनको वो दिखाई देती है, और जब दिखाई देती है तो वो क्या मानते हैं, हाँ भाई पैसे वाला है आसपास। इसका मतलब क्या हो गया, आपके माल टाल जमा होने चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जो बिना दिखाए भी दिख जाती है। और बैंक का बैलेंस क्या होता है, जब तक आप नहीं दिखाओगे सामने वाले को पता नहीं पड़ेगा। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वो खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक का हिसाब देखिए। पर माल असबाब, असबाब सामान जिसे कहा जाता है सुख सामग्रियां, मकान कोठी तो अनदेखे भी दिख जाते हैं, पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। इसलिए क्या गया है कि पैसे से आप अगर कुछ खरीद सकते हो तो उस परचेजिंग पावर में ही क्या है, आपका पावर दिखाई देता है, आपका पैसा दिखाई देता है, आपके पैसे की ताकत दिखाई देती है। लेकिन ये जरूरी भी नहीं है कि हर आदमी उस पैसे की ताकत को दिखाए। इस समाज में हर व्यक्ति खर्चीला हो, हर व्यक्ति अपव्ययी हो, कुछ लोग मितव्ययी भी होते हैं, मितव्ययी अर्थात संयमी भी होते हैं, जो क्या करते हैं, वो फिजूल सामान को फिजूल ही समझते हैं और केवल बाज़ार से क्या खरीदते हैं, आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं, और बाज़ार को ऐसे लोग सार्थकता प्रदान भी करते हैं। उनके मन को संतुष्टि रहती है मेरे पास पैसा है, परंतु वो ये जानते हैं कि आवश्यकता के समय काम आने वाला है। इसलिए क्या है, तो क्या कहा देखो, लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा पानी की तरह बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं, बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं, वह पैसे के पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। दरकार अर्थात आवश्यकता, अर्थात उन्हें पैसे का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन क्या होता है, गर्व से भरा और फूला रहता है। जो मैं आपको समझा रहा था अभी कि उसे पता होता है मेरे पास पैसा है, कभी कोई स्थिति आई तो मैं उससे काम निकाल लूँगा, वो संयमी होता है, लेकिन वो आवश्यकता से अधिक फालतू की चीज़ों पर कभी पैसा खर्च नहीं करता। तब लेखक ने कहा कि ये कितना सामान ले आए, तो मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, मनी बैग यानी पर्स, आपका बटुआ, कहा ये देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब ये तय मान लिया कि और पैसा होता तो और सामान आता, वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए, उसका भी इस कर्तव्य में बहुत हाथ है, वह महत्व है बाजार। तो देखिए आप बाजार वाली बात को, परचेजिंग पावर को और पत्नी वाली बात को अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो मैंने कहा ये इतना कुछ नाहक ले आए, नाहक यानी बेकार, व्यर्थ, क्योंकि लेखक के दृष्टिकोण से वो चीज़ें क्या थी, बेकार थी। अब जब लेखक ने ऐसी बात कही तो मित्र ने बाजार के प्रति क्या दृष्टिकोण उनके मन में था, उस दृष्टिकोण को यहाँ पर प्रकट किया है। क्योंकि बाजार क्या करता है, आकर्षण जगाता है, और आकर्षण क्या करता है, आपको खींचता है, और बाजार को देख करके आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और बाजार में अतुलित सामान आपको देखने को मिलते हैं, वो बाजार आपके मन में चाहत का भाव उत्पन्न कर देता है। और चाहत कब पैदा होती है, जब आपके जीवन में अभाव होता है, तब आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे और चाहिए और चाहिए, और आप उस बाजार से पीड़ित होकर के असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल हो जाते हो, और आप फिर बेकार हो जाते हो। आपको ऐसा लगने लगता है कि अगर ये चीज़ें मेरे पास नहीं हैं तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो देखिए मित्र क्या बोलते हैं, बाजार के प्रति उनका दृष्टिकोण क्या है, कि कुछ न पूछो बाजार है कि शैतान का जाल है, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो नफस, बेहया यानी बेशर्म। मैंने मन में कहा ठीक बात सही है, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो मेरा रूप, और किसके लिए, मैं तुम्हारे लिए हूँ, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि वो आग्रह
नहीं है, क्योंकि आग्रह क्या करते हैं, जब आपसे कोई आग्रह करेगा तो आपके मन में उसके प्रति तिरस्कार का भाव जागृत होता है। तो ये आग्रह नहीं है, बल्कि ये तो आमंत्रण है, क्योंकि आग्रह क्या करता है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण क्या होता है, मूक यानी गूंगा, बिना बोले आपको आमंत्रित करने वाला, कि बोलता कुछ नहीं है बाजार, फिर भी आप उसके इस आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हो, और उससे आपके मन में क्या जग जाती है, चाहत जग जाती है। और चाहत जगने का मतलब क्या हो गया, आपके जीवन में उस वस्तु का अभाव है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, मतलब जो है उसमें संतुष्ट नहीं रहता, और बाजार की चीज़ें उसे क्या कर देती है, घायल कर देती है, और वो सोचने लगता है कि और चाहिए और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है, परिमित अर्थात सीमित, और यहाँ कितना अतुलित है, ओह कोई अपने को न जाने। तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बनाकर छोड़े, विकल ही क्यों, पागल बना देगा। असंतोष, अंडरलाइन करना, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या, तृष्णा यानी इच्छाएं, असंतोष का भाव आएगा, और आपको जिसके पास वो वस्तुएं हैं उससे ईर्ष्या होने लगेगी, बाजार से ईर्ष्या होने लगेगी। क्या कहा, असंतोष तृष्णा और ईर्ष्या से घायल करके मनुष्य को सदा के लिए ऐसा बाजार क्या करता है, बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है, ये दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए, और आए तो खाली हाथ। अभी हमने देखा था ये किस प्रकार का व्यक्तित्व है, संयमी, और वो किस प्रकार का व्यक्तित्व था, जो परचेजिंग पावर, बाजार के आकर्षण में फंस करके नाहक वस्तुएं लेकर के आ गया। मैंने पूछा कहाँ रहे, तो बोलते हैं बाजार देखते रहे। तो मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे, तो बोले क्यों बाजार, तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं, तो वो क्या कहते हैं, बोले हाँ पर ये समझ नहीं आता था कि न लूँ तो क्या न लूँ, सभी कुछ तो लेने को जी होता था, और अगर कुछ लिया तो इसका मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। कहने का मतलब है कि उसके मन में स्थिरता नहीं थी, वो मन में निश्चित नहीं करके गया था, या उसके मन में निश्चितता नहीं हो पाई थी कि मुझे कौन सी वस्तु खरीदनी है और कौन सी नहीं, इसलिए वो उस अस्थिर मन के कारण बाजार से कुछ भी नहीं लेकर के आ सका। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात बिल्कुल ठीक थी, अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाहत क्या करेगी, तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम क्या होगा, त्रास यानी पीड़ा ही होगा, और फिर आप कोई गति नहीं कर पाओगे, मतलब कोई कदम आगे नहीं बढ़ा पाओगे, और ना कोई कर्म कर पाओगे। अब अगला पैराग्राफ ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, आपके मन की उन अवस्थाओं का बताया है कि जब बाजार का जादू आप पर काम करेगा, और कब तो आपके ऊपर बाजार का जादू काम करेगा और कब नहीं करेगा। तो क्या कहा, देखो बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है, मतलब आँखें उसे देखती है और आँखों के रास्ते वो बाजार आपके मन में उतर जाता है। वो रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जो अब क्या कहा है, देखो जेब भरी हो, अब कब की अवस्था अंडरलाइन करने की बात है, कि जेब भरी हो और मन खाली हो, मतलब मन में कुछ सोच के नहीं गए, पैसा आपकी जेब में पड़ा है, तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। अब दूसरी अवस्था, जेब खाली हो पर मन भी खाली हो, मन भी भरा हुआ ना हो, तब भी जादू चल जाएगा। कैसे, क्योंकि तब आप क्या करोगे, मन खाली है आपके मन में आ गया, जेब में पैसा नहीं है, आप किसी से पैसा लेकर के वो वस्तु ले आओगे। इसलिए लेखक कहता है कि मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस मन तक पहुंच जाएगा, और कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, अगर मान लो उस वक्त जेब भरी है तो फिर वो मन किसकी मानने वाला है, अर्थात जब जेब भरी होती है तो मन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, और आपके मन में क्या होता है, मालूम होता है यह भी लूँ और वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल ही डालती है। अब ये फैंसी चीज़ें क्या करती है, मदद तो नहीं करती है आपकी,
आराम में लेकिन खलल डाल देती है। हाँ, जब आप खरीदते हो तो आपके मन को, आपके स्वाभिमान को थोड़ी देर के लिए सेक जरूर मिलता है। कैसे? क्या मैं खरीद सकता हूँ, मेरे पास इसको खरीदने की ताकत है। परंतु इससे क्या होगा, आपको अभिमान की, गिल्टी की खुराक और मिलेगी, अर्थात आप में और अहम का भाव आ जाएगा, अभिमान का भाव आ जाएगा कि मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ। इसलिए क्या कहता है लेखक, पर इससे अभिमान की, गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। क्योंकि जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वो कम जकड़ होगी? कि आपको मान लो रेशम की डोरी से बांध दिया, लेकिन बांधा उतना ही टाइट, लेकिन आपको वो टाइट क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि रेशम के कारण आपको उसकी कठोरता का एहसास नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से बाजार की जकड़ भी कैसी है, उस रेशमी डोरी के समान है, जो आपको जकड़ तो लेती है परंतु आपको उसकी कठोरता का एहसास नहीं होता। इस प्रकार से क्या होता है, मन की विभिन्न अवस्थाओं से बताया है कि जब जेब खाली, मन खाली, तब भी क्या होगा, बाजार का जादू चल जाएगा। जेब भरी और मन खाली, तब भी बाजार का जादू चल जाएगा। अतः वास्तविकता क्या है कि आपके पास जेब भरी हो तब भी आप मन में निर्धारित करके जाओ कि आपको बाजार से क्या वस्तु खरीदनी है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय लेखक बताता है, वह यह है जो अभी मैं बता रहा था कि बाजार जाओ तो खाली मन नहीं होना चाहिए, अंडरलाइन करना पूरे पैराग्राफ को, और मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। कहते हैं ना कि जैसे लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, क्योंकि पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है, लूपन यानी गर्मी व्यर्थ हो जाती है। और इसी प्रकार से मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा, वो आपका मन को असर नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका निर्धारित है, आपका निश्चित है कि आपको क्या खरीदना है, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे, और सच्चा लाभ जब तुम बाजार को देते हो तो बाजार की उपयोगिता सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि बाजार का ही असली कृतार्थता या उपयोगिता कब है कि वो आपके आवश्यकता के समय काम आए, तभी बाजार की कृतार्थता है, बाजार का उपयोग है। अगर आवश्यकता के समय आपको बाजार से कोई वस्तु नहीं मिल पाती तो आपके लिए उस बाजार की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। अतः व्यक्ति को जब भी बाजार जाए तो मन खाली नहीं होना चाहिए, मन में निर्धारित करके जाना चाहिए, और मन खाली हो तो बाजार नहीं जाना चाहिए कि मुझे क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। इसी से आप बाजार को असली सार्थकता या असली कृतार्थता दे पाओगे। धन्यवाद।